फ्रेंड्स, मैं हूँ अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल क्विक रिवीजन। और मैं जो आज आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। तो इस टॉपिक में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा ऑर्गेनल पढ़ेंगे। तो पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। इससे पहले हमने जाना था कि सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में जाना था और डिस्कवरीज के बारे में जानी थी और थ्योरीज़ भी देखा था। ये सारी चीज़ें जो है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। मेरी दूसरी वीडियो थी वो थी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल पे, और ये तीसरी वीडियो है जो कि एंडो सिस्टम पर है। फर्स्ट टू वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक चाहिए और आपको कौन कौन से टॉपिक में डाउट्स है। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम है। तो इनको इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सब का जो है फंक्शन वो कोऑर्डिनेटेड होता है। इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखे इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के लिए, जैसे कि किसी भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम हो उसमें गर्ल के लिए वैकेंसी होती है, तो जी फॉर गॉल्जी बॉडी, ई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, एंड लाइसोसोम के लिए L, तो हो गया गर्ल, और वैक्यूल्स के लिए वैकेंसी, तो शॉर्ट में वैक, तो गर्ल के लिए वैकेंसी होना किसी भी सिस्टम में। तो इस तरीके से हम लोग इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम को याद कर सकते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक नेटवर्क और रेटिकुलम है, एक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, और इसी को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंग कंपार्टमेंट में बांटता है। पहला जो इनसाइड होता है जिसको हम लोग ल्यूमिनल बोलते हैं, और जो आउटसाइड जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक उसको हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट भी कहते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे शॉर्ट में SER कहते हैं। ट्राई किया गया कि जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, जिसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और जिनके सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं उनको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम होने की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस रफ हो जाता है। एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कंटिन्यूस होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस से, और वो एक्सटेंड हो जाता है साइटोप्लाज्म की तरफ। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ऑब्जर्व किया गया जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन हो रहा था, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेजर साइट होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड का। एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन प्रेजेंट होता है जो कि सिंथेसाइज होता है SER में। तो ये ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में था। अब हम लोग आते हैं गॉल्जी एपरेटस के बारे में। मेलियो गॉल्गी ने 1898 में फर्स्ट टाइम एक डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर को देखा जो कि रेटिकुलर था नियर द न्यूक्लियस, और बाद में इस स्ट्रक्चर का नाम गॉल्जी बॉडीज पड़ गया इन्हीं के नाम पर। ये जो था वो फ्लैट था, डिस्क शेप का था, जिसे सिस्टर्नी भी कहते हैं। अगर हम एक सिस्टर्नी की बात करें तो उसका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है, वो स्टॉक्ड होता है पैरेलल टू ईच अदर है, और जो सिस्टर्नी का नंबर है वो वैरी कर सकता है किसी भी सेल में। गॉल्जी सिस्टर्नी जो होता है वो कंसेंट्रिकली अरेंज होता है नियर द न्यूक्लियस, जिसमें दो डिस्टिंक्ट फेस होते हैं, एक को कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं, और पीछे वाले पार्ट को ट्रांस फेस, कॉन्केव फेस या फिर ट्रांस फेस कहते हैं, या फिर मैचुरेशन फेस कहते हैं। सिस और ट्रांस फेसेस जो होते हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। गॉल्जी एपरेटस का जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो पैकेजिंग का होता है। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सिक्रीशन होता है वो गॉल्जी एपरेटस में आकर ही उनकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग होने के बाद उस मटेरियल को या फिर इंट्रासेलुलर टारगेट को भेज दिया जाता है, या फिर सिक्रीट कर दिया जाता है आउटसाइड द।
जो नंबर ऑफ प्रोटीन जो सिंथेसाइज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो सिस्टर्नी में आके मॉडिफाई होते हैं, और यहाँ पे मॉडिफाई होने के बाद वो रिलीज़ किए जाते हैं कहाँ से, ट्रांसफेज से। गॉल्जी एपरेटस जो है वो इम्पॉर्टेंट साइट होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स का, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो मटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है पैकेजिंग के लिए इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, वो फ्यूज़ हो जाता है सबसे पहले सिस फेज की तरफ गॉल्जी बॉडी के, और उसके बाद मूव कर जाता है मैचरिंग फेज या ट्रांस फेज की तरफ। और यही कारण है कि गॉल्जी एपरेटस हमेशा जो है वो क्लोज एसोसिएशन रखेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गॉल्जी एपरेटस। उसके बाद जो आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स होते हैं वो रिच होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में, जैसे कि हाइड्रोलेजेस हैं, उसमें एग्जांपल है लाइपेज का, प्रोटीएज का, कार्बोहाइड्रेजेस का, जो कि ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। ये एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट होते हैं लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेजेस, ये सारे जो है वो हाइड्रोलाइजेस हैं। और ये जो है एंजाइम, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो कैपेबल होता है डाइजेस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेजेस है वो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेस है, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेजेस है, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लिएजेस होता है। तो लाइसोसोम का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहली बात तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, और दूसरा इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे। अब आते हैं हम वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और इसमें जो है वो वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल्स होते हैं, लेकिन वो सेल के लिए यूज़फुल नहीं होते। इनका जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग टोनोप्लाज बोलते हैं, और प्लांट में वैक्यूल जो है वो 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। एनिमल सेल में या एब्सेंट होगा या फिर बहुत छोटे होंगे। तो प्लांट में जो मेन फंक्शन होता है टोनोप्लाज क्या करता है, वो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस, बहुत सारे आयंस को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, और अदर मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उस मटीरियल का, उस जो है वो आयंस का, मटेरियल्स का, देन साइटोप्लाज्म। प्लांट के अलावा अमीबा और प्रोटिस्टा में भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अमीबा में हम लोग उसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है एक्सक्रीशन का होता है, जबकि प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है जो बनता है इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। ओके, तो अब यहाँ पर इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम ख़त्म होता है, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक है। और आपको अगर कंटेंट में कोई मॉडिफिकेशन चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं मॉडिफाई कर। तो अब यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।